स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, हम जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की ड्यूटी बनती है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि कुछ पुलिस वाले खुद ही कानून को तोड़ने का काम करते हैं, लोगों के साथ यानी आम जनता के साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें काली कलौंस देते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी करने लगते हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कानून में पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है या नहीं? और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर क्या हम भी हाथ उठा सकते हैं, यानी अपने बचाव के लिए उनके साथ मारपीट कर सकते हैं या नहीं? और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ऐसे पुलिस वालों की शिकायत हम कहां और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की जानकारी में हम इन्हीं बातों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मान लीजिए आप बाइक या स्कूटी से कहीं जा रहे हैं और आपके पास RC नहीं है या लाइसेंस नहीं है, या फिर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, या आप कार से कहीं जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, या आप फोन में बात कर रहे थे ड्राइविंग के दौरान, या आप ड्राइविंग के दौरान नशे में थे। तो ऐसे में पुलिस के पास अधिकार है कि वो आपको रोक कर आपसे जुर्माना ले सकती है, आपका चालान काट सकती है। यानी यहाँ पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती है। अगर फिर भी पुलिस ऐसा करती है, यानी इस स्थिति में अगर पुलिस आपके साथ गाली गलौज करती है, आपके साथ मारपीट करती है, बदतमीजी करती है, तो हम आपको बता दें कि ये पूर्ण रूप से इलीगल है। पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को सिर्फ अधिकार है कि वह आपसे चालान भरवा सकती है, आपसे जुर्माना ले सकती है। और अगर ऐसा करती है पुलिस, तो हम आपको बता दें कि IPC की धारा 166 के तहत आप पुलिस के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, जो कहती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसे पढ़ सकते हैं, IPC की धारा 166 के अनुसार अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, एग्जांपल के लिए पुलिस हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया कोई भी, अगर वो व्यक्ति यानी वो पब्लिक सर्वेंट कानून का पालन नहीं करता या ऐसी कोई भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता जिसे फॉलो करना उसकी ड्यूटी बनती थी, और इस दौरान फिर वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की नियत से वह ऐसा करता है, तो उसे IPC की इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को यानी उस पब्लिक सर्वेंट को, चाहे वह पुलिस वाला है, उसे 1 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और साथियों, अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है और उससे आपको चोट लगती है, तो हम आपको बता दें कि IPC की धारा 166 के साथ साथ अगर चोट हल्की फुल्की थी तो IPC की धारा 323, अगर चोट गंभीर है तो 325, ये धाराएं भी जुड़ती जाएगी। अगर पुलिस ने आपका रास्ता रोका है तो 341 धारा लगेगी। अगर ऐसे ही कई धाराएं इसके साथ जुड़ती जाएंगी, रिश्वत की धारा होगी, धमकी देने की धारा होगी, ये सारी धाराएं इस धारा के साथ जुड़ती जाएगी जो पुलिस के अगेंस्ट होगी। लेकिन साथियों, आपको यहां एक बात ध्यान देनी है कि आपको कानून का पालन करना है। पुलिस को अपने व्यवहार से या किसी भी तरीके से उसे उकसाना नहीं है, और ऐसी किसी परिस्थिति में आपको पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाना, उनके साथ मारपीट नहीं करनी है। अगर फिर भी पुलिस वाले आपके साथ बदतमीजी करते हैं या आपको चोट पहुंचाते हैं, तो उसके लिए आप उनको सबक सिखा सकते हैं, उसके लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं, जिसके कई प्रकार के रास्ते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो साथियों, अगर आपके साथ कभी भी कोई पुलिस वाला बदतमीजी करता है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम और उसकी पोस्ट का पता करें, और जिस पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी की है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो एविडेंस के रूप में आगे काम आ सकती है। और अगर उसके दौरान आपको कोई चोट पहुंचती है, तो आपको फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप अपना मेडिकल करवाएं, ऑथराइज्ड डॉक्टर से अपने मेडिकल करवा लें, और उसके बाद जो पहला काम है वो आपको ये करना है कि पुलिस स्टेशन में जाके आपको इसकी FIR दर्ज करवानी होगी। अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर दे या FIR दर्ज करने में आनाकानी करे, तो आप उसकी कंप्लेंट सुपीरियर ऑफिसर्स को, SP, SHO या कमिश्नर तक को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेम महकमा होने के कारण आपके साथ पक्षपात हो सकता है या पक्षपात हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि PCA एक अथॉरिटी है जो पुलिस कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, तो आप वहां इसकी शिकायत कर सकते हैं, सबूतों के साथ इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपको न्याय ना मिले, तो सबसे असरदार और सबसे अचूक तरीका है वो है कोर्ट। आप कोर्ट में जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वहां आपको न्याय जरूर मिलेगा। बस आपके पास रेलिवेंट सबूत होने चाहिए, उसके साथ अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो बिना पक्षपात के आपके वहां सुनवाई होगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए आप उस इलाके के संबंधित कोर्ट, संबंधित इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोर्ट आपका फाइनल और स्ट्रॉन्ग स्टेप है, जहां आपको निष्पक्ष रूप से कार्यवाही होकर आपको न्याय मिलता है और पुलिस वालों को पनिशमेंट।
लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने बात की थी कि पुलिस की ड्यूटी बनती है, उसके पास पावर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, उन्हें बनाए रखे, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश करता है या पब्लिक प्लेस में हथियार लेकर हंगामा करता है, लोगों को डराता धमकाता है या फिर पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी करता है, पुलिस के मना करने पर भी नहीं रुकता, पुलिस के साथ मारपीट करता है, तो ऐसे में पुलिस के पास पावर है कि वह अपना बल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को रोक सकती है और उसके साथ मारपीट भी कर सकती है। लेकिन ट्रैफिक चालान जैसी स्थिति में पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। यहाँ सिर्फ पुलिस आपसे चालान भरवा सकती है या आपसे जुर्माना ले सकती है, लेकिन आपके साथ मारपीट नहीं कर सकती जब तक कि आपने मारपीट की शुरुआत ना की हो या पुलिस को ऐसा करने के लिए उकसाया ना हो। तो आशा है दोस्तों कि आपके लिए ये जानकारी यूजफुल रहेगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाएंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।